हाय, टुडे वी विल लर्न हाउ टू सॉल्व रैंक ऑफ मैट्रिक्स। यहाँ पर क्वेश्चन है 3 × 3 का, जिसमें मैग्नीट्यूड ऑफ ए निकालना है। तो 1 × 5 − 48 − 2 × 4 − 42 + 3 × 32 − 35। ये हो जाएगा 1 × −43, ये −2 × −38 + 3 × −3। यहाँ पे हो जाएगा −43 − +76 − 9। 33 − 9 = 2, 24। तो मैग्नीट्यूड ए इक्वल टू नॉट जीरो, सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स इज हो जाएगा 3। यहां पे इफ ए सिंगुलर मैट्रिक्स हुज मैग्नीट्यूड इज इक्वल टू 0, इट्स रैंक बी इक्वल टू ग्रेटर देन 1। यदि ए इक्वल टू यहां 0 हो जाता तो हमारा जो रैंक ऑफ मैट्रिक्स होता है 1 से बड़ा होता। यहां पे क्या देखते हैं, हमारा ए इक्वल टू नॉट 0, सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स हमारा जाएगा रो एंड कॉलम का। तो हमारा रो एंड कॉलम 3/3 का है, सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स 3 हो जाएगा। दूसरा हमारा क्वेश्चन है 1, 2, 3, 2, 4, 7, 3, 6, 10। सबसे पहले मैच्यूर निकालेंगे। तो 1 = 40 − 42, फिर −2 − 2 रहेगा तो 20 − 21 + 3 3 × 12 − 12, ये हो जाएगा −2। यहाँ पर हो जाएगा ये हो जाएगा +2 हो जाएगा, ये +0, ये हो जाएगा 0। यहाँ पर हम देखते हैं मैग्नीट्यूड ए इक्वल टू 0, फिर 8 × 1 का मान निकालेंगे हम, 8 × 1 का इसका मान निकालेंगे। तो हो जाएगा यहाँ पे 2 × −1 × 2 + 1 − 1 × 3 × 1 का मान हो जाएगा 20 − 18 इक्वल टू हो जाएगा −2 का। तो हमारा 8 × 1 का मान हो गया −2, सो रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा हमारा 2 हो जाएगा। तो यहाँ पर क्या देखते हैं हम, हमारा ए इक्वल टू 0 आ रहा है। तो यहाँ पे ए सिंगुलर मैट्रिक्स हुज मैग्नीट्यूड ए इक्वल टू 0, इट्स रैंक बी इज इक्वल टू ग्रेटर देन 1। 1 से बड़ा होगा तो हमारा मैग्नीट्यूड ए इक्वल टू 0 आ गया, इसलिए 1 से बड़ा होगा तो हमारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा 2। फिर यहाँ पे नॉन मैट्रिक्स रैंक ऑफ, मतलब इफ ए नॉन सिंगुलर मैट्रिक्स ए इक्वल टू नॉट 0, तो इट्स रैंक बी इक्वल टू एम एन रो एंड कॉलम। मतलब यदि हमारा रैंक ए इक्वल टू नॉट 0 होगा तो हमारा मैट्रिक्स हो जाएगा 3×3 जितना m/n, मतलब रो एंड कॉलम जितना होगा उतना हमारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा। और रैंक ऑफ मैट्रिक्स नॉन मैट्रिक्स इज ऑलवेज 0, अर्थात हमारा यदि मैट्रिक्स ए इक्वल टू 0, a1 = 0, a2 = 0, तो हमारा रैंक ऑफ मैट्रिक्स हो जाएगा 1। इस प्रकार हम रैंक बनाएंगे।